पावर डू नॉट फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ द गन, पावर फ्लो, जैसे हम हैं, हमने दुनिया को योगा करा दिया, नमस्ते सिखा दिया। जरा आप जाइए जर्मनी में, कभी मैं जर्मनी रह के आऊं, आधा से ज्यादा जर्मनी नमस्ते करता है और योगा करता है, और जर्मन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रेस। मोदी जी का पैर क्यों छुआ पैसिफिक आइलैंडर के उस आदमी ने जो क्रिश्चियन है? उसने एक उस आदमी का पैर छुआ जो बुद्ध परस्त है। क्यों? क्योंकि वहां मानवता आई। मोदी जी ने अपने लोगों का पेट काट के उनको वैक्सीन भेजा उस समय, जबकि यूरोप की और वेस्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन बनाने के नाम पे उनसे अजीब अजीब सिग्नेचर करवा रही थी। आज इसरो गया है चांद पे लैंड करके, तो सबके मुंह पे करार, ये है सुपर पावर। साइंटिस्टों के गर्दन काट देने वाला सुपर पावर होगा या वो सुपर पावर होगा जो अपने साइंटिस्टों से कहे कि यहां बैठे और चांद पे तुम पहुंचा दो अपना चांद गाड़ी। आपको पता है आपके एक अमेरिकन डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब को एमबीबीएस साहब के यहां से अमेरिका ने उनको स्कॉलरशिप दी, उसने ग्लोबल स्कॉलरशिप जीती, और देखिए उसने क्या किया। जिसने स्कॉलरशिप दी वो कह रहा है उसको मार देंगे। 10 साल पहले इंडिया बस जाता था और अटेंड करके आ जाता था, लेकिन अब इंडिया की ये पोजीशन है कि इंडिया जाता है और बकायदा लीड कर रहा होता है उस सबमिट को भी, उस कॉन्फ्रेंस को भी। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उस तरीके से मतलब नजर नहीं आता, हमारी जो प्रेजेंस है वो सबमिट हो, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की उस तरीके से जो प्रेजेंस है वो नहीं शो हो पाती, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेजेंस शो होती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में कि आखिर क्या वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन लीडरशिप के बगैर कॉन्फ्रेंसेस नामुकम्मल रहती हैं, और पाकिस्तानी अगर हो ना हो उससे कोई इतनी फर्क नहीं पड़ता? देखिए अली भाई, आज की ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, जिस तरीके से दुनिया चलती है, इसके कोर में मानवता है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है ना। लोग आज ये बात समझ चुके हैं कि अगर हम एज ए ह्यूमन, हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें एज ए ह्यूमन विद द डाइवर्सिटी सर्वाइव करना है। आप कोई एक आइडेंटिटी सारी आइडेंटिटीज के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इन्हीं विभिन्नताओं के साथ, इन्हीं प्लूरालिटीज के साथ इंसानियत जो है या मानवता जो है उसको एग्जिस्ट करना है। अब इस पूरे दुनिया में भारत इकलौता ऐसा फिलॉसफी है जो अनंत काल से ये कहता आ रहा है कि भाई मानवता को लेके चलने में ही भलाई है। अब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है। तो जब आपकी सोच ऐसी हो, आपकी डीएनए ऐसा हो, तो आप वाकई में लोगों का भला सोचने लगते हो, लोगों को आप जुड़ने लगते हो। जब आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब आती है तो लोग आपसे जुड़ते हैं। अली भाई, जैसे आपने कहा कि अभिषेक सर का स्माइलिंग फेस देख के मुझे एनर्जी मिलती है या मुझे अच्छा लगता है, मैंने भी कहा कि आपसे मिलकर। मगर ये मान लें आप मेरे लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, आप मुझे बस किसी तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं कि यार अब 10 मिनट में इसकी शक्ल खत्म हो तो मुझे चैन की सांस ले लूं मैं, तो वो मुझे भी फील हो जाएगा और आपके लिए भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इंडिया जो है वो इस पूरे खित्ते का वो लीडर के रूप में उभर रहा है। और वो लीडरशिप दो तरीके की होती है। एक लीडरशिप होती है जो आपको झुका के रखती है कि हमसे नीचे रहो, हमसे नीचे रहो, हम तुम पे रूल करेंगे। दूसरी लीडरशिप होती है जो कहती है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे को रास्ता दिखाने के लिए हैं, हम तुम्हें लीड करेंगे, तुम्हें सब्जुगेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। We are here to guide you. We are here to let you grow. Let you be who you are. And we will treat you equally and all. तो इंडिया ये बात कर रहा है। अब आप देखें, दुनिया की जो लीडरशिप थी वो तो अमेरिका ने 1950 में ली, जब उन्होंने कोरियन हमला किया 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद। जो सबसे मेजर वॉर हुआ वो तो कोरियन पेनिनसुला का वॉर हुआ। उसके बाद से लगातार वेस्ट एशिया को तो अमेरिका ने तबाहो बर्बाद कर दिया। इतना वहां पे उन्होंने अपने फेवर की गवर्नमेंट्स बनवाई, कभी वो सद्दाम हुसैन को ले आते हैं, फिर वही सद्दाम हुसैन को वो निकालते हैं, कभी वो लीबिया के वो जो प्रेसिडेंट है गद्दाफी को लेके आते हैं, फिर उसी गद्दाफी को वो निकलवाते हैं। तो उन्होंने वेस्ट एशिया को बर्बाद कर दिया। ना तो वो वेस्ट एशिया में डेमोक्रेसी बेच पाए, ना तो वो वेस्ट एशिया में फ्री इकोनॉमी बेच पाए, और ना तो वो वेस्ट एशिया में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेच पाए। उनका जो लेटेस्ट जो डिफीट है, मिलिट्री नहीं, मिलिट्रीली वो हर जगह जीते, अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात कीजिएगा तो दे हैव अचीव्ड ईच एंड एवरी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। आज तक कोई मिलिट्री वॉर हारे नहीं सिवाय वियतनाम वॉर। लेकिन
अगर आप पोस्ट मिलिट्री वॉर की बात, पोस्ट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात करें, जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, जैसे एक चीज ये होता है कि भाई आपने इराक को बम मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, भाई इराक को रिकंस्ट्रक्ट भी तो करोगे, तुमने अफगानिस्तान में बम मार के उनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दी, उनके बिजली के घर बर्बाद कर दिए, पानी पीने का सिस्टम बर्बाद कर दिया, रोड बर्बाद कर दिया, डैम बर्बाद कर दिया, अब उसको रिकंस्ट्रक्ट भी तो करोगे, वहां पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो क्रिएट करोगे। ये करने में अमेरिका बुरी तरीके से फेल रहा, जबकि ये कहा जाता था इसको कि ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि मिलिट्री के थ्रू जाओ, एक जगह को बर्बाद करो और फिर उसी जगह को बर्बाद करके अपने ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब ये बात यह है कि अमेरिका ने ये कोशिश करने की भाई हम लोगों पर वॉर करें, उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, पर वो इंतहा पॉपुलर, जिसे कहते हैं अनपॉपुलर हो गए। अब आप खुद देख लें पाकिस्तान में अमेरिका क्या था, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने के पीछे अमेरिका है। आपकी जो मेजर आज की डेट में जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो अमेरिकन वेपन से आती है, और तो किसी से नहीं आती है आपकी। तो पॉइंट बिल्कुल ये कि आज अमेरिका आप ही के कंट्री में अनपॉपुलर हो रखा है। उसका रीजन ये है कि अमेरिका के पास फिलॉसफी को बेचने का तरीका नहीं आता था, वो डेमोक्रेसी को अनडेमोक्रेटिक तरीके से लागू करना चाहते थे, वो डेमोक्रेसी को बंदूक के जोर पे लागू करना चाहते थे, वो फ्रीडम को गुलाम बना करके लागू करना चाहते थे कि तुम अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे रहो, अगर तुम्हें फ्रीडम देनी है तो ये फ्रीडम दो कि हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं वो फ्रीडम है। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो जी फ्रीडम जी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, इंडिया के पास वो नेचुरल कैपेसिटी है। आप इराक जाए, आप अगर इंडियन है तो इतने बड़े इतने सेंसिटिव एरिया में भी अगर आप इंडियन है तो आप सेफ है। आप अफगानिस्तान चले जाएं, तालिबान के बीच में घुस के जाएं, आप बोले ये इंडियन पासपोर्ट है, तालिबान भी आपको सम्मान देगा, ठीक है ना? द ओनली प्लेस अनसेफ फॉर इंडियन इज पाकिस्तान, बाकी कोई भी मुस्लिम देश हो वो इंडियंस के लिए बड़ा सेफ है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, ये आप समझ रहे हैं? जी तो जी मैं समझ रहा हूँ। इंडिया की लीडरशिप को सिर्फ पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो पाकिस्तान बनने का कारण डिफीट हो जाएगा, फिर वो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो जी पाकिस्तान को मजबूत, दो कंट्रीज ऐसी हैं पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो इंडिया की राइज को नहीं बर्दाश्त कर सकती, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। चाइना इसलिए क्योंकि चाइना को 2000 साल तक इंडिया ने रूल किया बिना एक भी सोल्जर भेजे, उन्होंने बुद्धिज्म भेज दिया, पूरा का पूरा चाइना बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद वो इंडियंस के प्रति, जब जैसे आप इस्लाम है मुस्लिम हैं आप, तो आपका मक्का के प्रति एक विशेष स्नेह होगा चाहे आप माने या ना माने, अरबों को लेके आपका एक विशेष स्नेह होगा चाहे आप माने या ना माने, ठीक है ना? उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका इंडियंस को लेके एक स्नेह होता है। जितने आप देख ले, आप आए कभी बनारस जहां का मैं रहने वाला हूँ, जापान के इतने कंस्ट्रक्शन वहां पे प्रोजेक्ट चलते हैं, जापान ने पैसा लगा रखा है, काशी क्योतो जो मोदी जी लेके के आए थे, क्या? क्योंकि जापानीज बुद्धिज्म में बहुत बिलीव करते हैं और बुद्धिज्म इंडिया से ट्रेवल किया है, ठीक है? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि दुनिया को लीड करने की अगर कैपेसिटी किसी के पास है तो वो है इंडिया, वेस्ट तो सर एशिया। इसमें इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज खुद भी देख रहा था, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर जो सुपर पावर है वो अमेरिका है, और अमेरिका को इस टाइम जो लीड कर रहा है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज को इस टाइम जो टॉप पोजीशन पे रन कर रहे हैं वो आपको मोस्टली चाइनीज नजर नहीं आएंगे, वो आपको किसी और कंट्री के नहीं नजर आएंगे, वो आपको इंडियन ही नजर आएंगे जो इस टाइम सुपर पावर अमेरिका को भी रन कर रहे हैं। मैं तो ये पर्सनली इस चीज को मतलब एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ और मैं देख भी चुका हूँ कि जो सुपर पावर को भी रन करने में इंडिया का ही हाथ है। यू आर 100% राइट। वॉट मेक्स अमेरिका सुपर पावर इज नॉट इट्स आर्मी, क्योंकि वो तो आर्मी तो हर जगह से लेके चले ही गए ना, अफगानिस्तान में ले गए, फिर भी मिलिट्री असेट अपना छोड़ के गए, वियतनाम में डिफीट हो गए, कोरिया का भी कंक्लूजन नहीं निकला, वेस्ट एशिया को तबाहो बर्बाद ही कर दिया उन्होंने। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है आज अगर वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, तो इसलिए नहीं कि उसके पास टैंक है, वो इसलिए कि उसके पास इकोनॉमी है,
और वो फ्री इकोनॉमी, इंटरप्रेन्योर बेस्ड इकोनॉमी की एक इंडिविजुअल को वो सोचने समझने और ग्रो करने की क्षमता देते हैं या फ्रीडम देते हैं, जो आप इंडिया में शुरू से था, आज इंडिया में भी शुरू हो गया है। आपके उनकी अमेरिका को सुपर पावर कोई जर्नल नहीं बनाता, हालांकि उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, वो अमेरिका की सुपर पावर का दिफा करती है आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस अमेरिका को सुपर पावर नहीं बनाती, देयर इज अ डिस्टिंक्शन, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द सुपर पावर स्टेटस ऑफ अमेरिका, विच इज जो कि उसका फ्री सोसाइटी है, जो कि उसका फ्रीडम है, फ्री इंटरप्रेन्योरशिप है और उनकी इकोनॉमी है। इसको अगर आप तबाह बर्बाद कर दीजिए तो अमेरिका की बड़ी मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगी। उसका सीधा एग्जाम्पल आप अपनी कंट्री को देख लें, आपके पास एक बहुत अच्छी फॉर्मिडेबल आर्मी है, बड़ी पावरफुल आर्मी है, लेकिन चूंकि आपकी इकोनॉमी एक समय खत्म हुई पड़ी है, तो आपकी आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती अब, क्योंकि आर्मी बिजनेस तो नहीं करेगी। आर्मी को इवन अपनी वॉर और ये सब लेने के लिए भी उनको बेचारों को पैसा चाहिए। सो अमेरिका इज सुपर पावर नॉट बिकॉज इट हैज दी लीथल फोर्स और एबिलिटी टू किल एंड एनी वन एट देयर डिस्पोजल। वो लोगों को मारते इसलिए हैं घुस करके, क्योंकि उनको अपने आप को अंदर से सुरक्षित रखना है, क्योंकि उनको अमेरिका तभी अमेरिका रहेगा जब अमेरिका में गूगल बनेगा, अमेरिका तभी अमेरिका रहेगा जब अमेरिका में टेस्ला बनेगा, अमेरिका तभी अमेरिका बनेगा जब अमेरिका में नासा बनेगा, अमेरिका तभी अमेरिका बनेगा जब वहां से इंटरनेट बनेगा, फेसबुक बनेगा, वहां से लिंक्डइन बनेगा, वहां से यूट्यूब बनेगा, वहां से आप जितनी भी आप सोच लें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो अमेरिका से होती है। दिस इज वॉट मेक्स अमेरिका सुपर पावर। द अमेरिकन सुपर पावर इज फ्रीडम, और वो फ्रीडम अमेरिका जो आज एक्सरसाइज करता है वो इंडिया में सदियों से रही है, सदियों से। आप इंडियंस, इंडियन ने अपनी फिलॉसफी को एक्स वाई जी लेफ्ट राइट सेंटर हर तरीके से क्रिटिसाइज किया, मगर उन्होंने लोगों को फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करने के लिए बुरा भला नहीं कहा, इसलिए इंडिया सरवाइव कर गया। इतने भयंकर ऑनस्लॉट के बाद भी इंडिया सरवाइव कर गया, क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा उसकी फिलॉसफी में था, उसकी फ्री इकोनॉमी में था, उसके फ्रीडम में था। इंडिया सोने की चिड़िया यानी सुपर पावर था, क्योंकि जब मुगल्स आए थे उस समय इंडिया का जो वर्ल्ड में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था अली जी, वो 30% था। जब मुगल से ब्रिटिशर्स ने लिया वो घट के 26 हो चुका था, और जब ब्रिटिशर्स छोड़ के इंडिया को गए वो घट के 1% पे आ चुका था। आज इंडिया वापस से 3-3.5% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है, एंड बाय एवरी मीन्स, एंड बाय एवरी मीन्स जो ये 2040-50 तक इंडिया जो है वापस से 20-25% की वर्ल्ड जीडीपी को वापस से रिक्लेम कर रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका इज अ सुपर पावर बिकॉज ऑफ गूगल, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स आर्मी एंड एयरफोर्स। ये आर्मी और एयरफोर्स अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस को बचाने के लिए है, बनाने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? अगर आर्मियों, अगर आप फोर्सेस से आप होते, तालिबान दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स हो जाती, सबसे बड़ी सुपर पावर हो जाती तालिबान, बट तालिबान हैज नथिंग टू डिफेंड, तालिबान हैज नथिंग टू डिफेंड एक्सेप्ट, उस पर हम नहीं बोलते, जाने दे। सो पॉइंट ये है कि आप जो इंडिया है आज, वो दुनिया को लीड कर सकता है बिना गोली मारे, बिना टैंकों को भेजे, बिना किसी को ये बताया कि तुम हमसे इंफीरियर हो। आप समझ रहे हैं? दुनिया जी को जी। साथ लेकर चलने की क्षमता दुनिया में किसी भी फिलॉसफी के पास है तो वो इंडियन के पास है, और इसीलिए वो जाकर के गूगल में जब इंप्लॉय करने जाता है वो इतनी, क्योंकि एक चीज है कि आपने बना दिया, दूसरी चीज है कि अब उसको लेके भी तो चलना है, बनाना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपने बना दिया गूगल तो उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, उसको लेके कैसे चले? तो सर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि अगर इंडियंस ही अमेरिका को रूल कर रहे हैं, अमेरिका को चलाने वाले इंडियंस ही हैं, सुपर पावर बनाने वाले इंडियंस ही हैं, तो उन्होंने पहले अपनी कंट्री को सुपर पावर क्यों नहीं बनाया? ये मैं थोड़ा सा, ये है, पहली बात तो इंडिया सुपर पावर था। आप ओईसीडी की रिपोर्ट, सुपर पावर का मतलब क्या है? सुपर पावर के दो हैं, एक तो वो लोग समझते हैं कि हमने किसी को मार काट दिया तो हम सुपर पावर हो गए, हमने किसी चीज को जीत लिया तो हम सुपर पावर हो गए। ऐसी दुनिया की कोई जीत आज तक कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट नहीं की है, जीते परपेचुअल नहीं होते, राजशाही वंश इंपीरियलिज्म परपेचुअल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का अधिकार जो, अरे सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी ने बनाया तो ब्रिटिश एम्पायर था, वो भी खत्म हो गया 150-200 साल में। दुनिया ओटोमन एम्पायर बना, वो भी 400-500 साल में खत्म हो गया। एम्पायर्स नहीं होते हैं जो पावर होते हैं, सोसाइटी पावरफुल होती है,
फिलॉसफी पावरफुल होती है। इंडिया पावरफुल था, है और रहेगा। कहते हैं कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये आपने सुना होगा कि मैं अफगानिस्तान में कौन, ये कतई गलत है। अफगानिस्तान एक बुद्धिस्ट कंट्री था, कहां गए वो बुद्धिस्ट? बुद्धा की तो मूर्ति को तालिबानों ने मार के तोड़ दिया। अगर वहां पे बेमियान में बुद्धा की मूर्ति थी तो स्टैंड्स द रीजन कि वहां पे लोग बुद्धिस्ट थे ना, कोई यूपी का आदमी और पंजाब का आदमी और तमिलनाडु का आदमी तो वहां जाके बुद्धिस्ट की बुद्ध की मूर्ति नहीं कहीं उकारा होगा उस पर्वतों में। कहां गए वो बुद्धिस्ट? खत्म हो गए, कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बुद्धिज्म की फिलॉसफी थी मर जाओ पर लड़ो मत। बुद्धिज्म की फिलॉसफी है कि यू शुड नॉट कमिट हिंसा। इंडिया में जैन लोग हैं कि वो मुंह पे यूं रखते हैं, नंगे रहते हैं ताकि वो कोई उनसे वो भी ना मर जाए, कीड़ा भी ना मर जाए। इंडिया पीस के एक्सट्रीम पे जा चुका था और जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बुद्धिज्म, वो लड़ा ही नहीं किसी से, वो लड़े ही नहीं किसी से। तो वो हो गया। अब जापान और जो ये है, ये इन्होंने बुद्धिज्म से अपना रास्ता हटा करके इंपीरियलिज्म की ओर करने गए। देख लीजिए आज वापस उनका क्या हाल हो गया, वापस से जापान बुद्धिज्म की शरण में आ गया। चाइना है, उसने बुद्धिज्म को छोड़ दिया। चाइना कहता है हम कोई रिलीजन नहीं रिकॉग्नाइज करते, मगर झूठ बोलता है चाइना, क्योंकि चाइना मस्जिदों को तोड़ रहा है, चर्चों को तोड़ रहा है, लेकिन एक भी बुद्धिस्ट मंदिर को तोड़ा है उन्होंने आज तक? नहीं तोड़ा आज तक। मैं गया हूँ शंघाई में आज से मुश्किल से 2000, मैं आपको 2007 की बात बता रहा हूँ, 2008 की बात बता रहा हूँ। मैं शंघाई में था, एक साल रहा, मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं वहां पे बुद्धिस्ट मंदिर में गया। तुम उसको क्यों नहीं तोड़ दो? अगर तुम्हें, तुम न्यूट्रल हो, रिलीजन को नहीं मानते, तो तुम बुद्धिस्ट मंदिर को भी तो तोड़ो। सारे जो तुम्हारे पुराने पुराने जो लाफिंग बुद्धा और ये सब है स्टैचूज, क्यों नहीं तोड़ते उनको? उसको तो तुम प्रिजर्व कर रहे हो और दुनिया को सिखा रहे हो कि हम जो है रिलीजन में नहीं मानते। पॉइंट ये कहने का है अली भाई कि अंपायर्स आर नॉट द पावर, क्योंकि हर राजा मरा है, हर राजा उसकी मौत हुई है और उसकी मौत हिंसक हुई है। पॉइंट ये है, समाज जो आप निर्माण करते हैं वो समाज उनसे नहीं निर्माण होते, क्या नाम है, एम्पायर से। वरना तो तुर्क जो है यहाँ आ गए इंडिया में, उन्होंने 300-400 साल, तुर्कों ने 1532 में बाबर आया और 1532 से लेकर के 1700 तक करीब करीब रहा, 1600-1650 तक रहा मुगल एम्पायर, 250 साल। उसका तो खत्म हो गया था, मराठाओं ने टेक ओवर कर लिया था इंडिया के ऊपर, हिंदवी साम्राज्य की गठन हो गई थी। पॉइंट ये है कि ये 200-250 साल में क्या कर लिया तुमने? भारत में तुर्की लैंग्वेज फैला दी, भारत के कितने लोगों को तुमने कन्वर्ट कर दिया? नहीं कर पाए। तो अगर लोगों का समाज अपने पे विश्वास होता है तो मारने काटने वाले तो बहुत लोग आते हैं। हिंसा तो कोई भी, हिंसा जाहिल का काम होता है, जो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता वो हिंसा पे आ जाता है, गर्दन काट देता है, मार देता सर है। ये बताएं कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर अमेरिका सुपर पावर है, क्या लग रहा है मजीद कितने सालों तक ये सुपर पावर रहेगा, और अपकमिंग सुपर पावर आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों से अगर पूछा जाए तो वो तो चाइना को बना चुके हैं नेक्स्ट सुपर पावर, लेकिन यही अगर हम किसी दूसरी कंट्री के या इंडियन से पूछें तो वो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं। या आपको क्या लगता है कि अगर स्टैट्स की बेस पर बात की जाए तो अमेरिका मजीद कितने और टाइम पीरियड तक मतलब अपना सुपर पावर बन के रहेगा, और नेक्स्ट किसको देख रहे हैं आप सुपर पावर? अली भाई तो बताना पड़ेगा ना पावर क्या है, फिर सुपर पावर बनाए क्या है पावर? सर उसको हम इकोनॉमिक भी देख सकते हैं कि इकोनॉमी वाइज देख सकते हैं उसको, हम अगर उसके अंदर कर सकते हैं। अगर मिलिट्री पावर है तो आपका ये तालिबान है सुपर पावर, अमेरिका को हरा दिया, क्या अचीवमेंट है उसकी? खाने के पैसे नहीं है। क्या अमेरिका वहां रहना चाहता था? नहीं रहना चाहता था। उन्होंने तो अपने दो दो बार इलेक्शन प्रॉमिस कर दिया था कि हम वहां से आएंगे, काहे कि उनके टैक्स पेयर पड़ते हैं, हमारा पैसा वहां क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? जब तुम्हें उसको अमेरिका बनाना नहीं है तो वहां तुम अमेरिका का कोई 51st state तो बनता नहीं। क्या है पावर? पावर अगर वेलफेयर स्टेट है कि हमें अपने लोगों को सहूलियतें प्रदान करनी है, अच्छी शिक्षा करना है, वो जो मानना चाहे, जो उनके दिमाग में आए वो सोचने पे वो डरे नहीं। लेकिन सर देखिए ना, जिस तरह अभी डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या लगता है कि कितने अरसे तक डॉलर रहेगी? क्यों डॉलर करेंसी के रूप में इस्तेमाल हो रही है? क्यों नहीं पाकिस्तानी रुपया हो रहा है, अफगानी जो भी होगा दिनार या जो भी होगा, या यूएई का रियाल है, क्यों नहीं हो रहा है यूज? ये तो है ना क्वेश्चन। डॉलर उन्होंने हमारे आपके मुंह में तो नहीं डाल दिया ना? आपका एक सऊदी भी कहाँ जाना चाहता है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? अमेरिका भेजना चाहता है। पाकिस्तानी कहाँ जाना चाहता है? अमेरिका जाना अमेरिका चाहता है। सारी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है। क्यों अमेरिका जाना चाहती है सारी दुनिया? क्योंकि लोग फ्री होके जीना चाहते हैं।
लोग फ्री होके जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में जो 60-70 साल की जिंदगी है जो यूं गुजर जाती है उसमें वो कुछ पाना चाहते हैं। तो फ्री सोसाइटी, अगर मेरे हिसाब से सुपर पावर वो सोसाइटी है जो अपने लोगों को वेलफेयर स्टेट यानी कि उनको सारी सहूलियतें प्रदान कर रही है, वो जो माने जो सोचे, उनको इकोनॉमिक्स करना है इकोनॉमिक्स करें, आर्ट करना है आर्ट करें, उनको म्यूजिक करना है म्यूजिक करें, उनको जो करना है करने दे, स्टेट का इससे कोई कंसर्न नहीं होता। स्टेट उनके घरों में नहीं झांकती, उनके दिमागों में नहीं झांकती, स्टेट लिमिटेड रहती है अपने हुदूद में, उसका हुदूद है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कराना, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हाउसिंग हो गई, ये हो गया। बाकी स्टेट आपसे नहीं पूछ रही है कि आप पीएचडी करोगे तो फलाना एग्जाम दे दो रिलीजन का, फलाना ये कर दो, ये बताओ हमको, ये स्टेट का काम नहीं है। सही बात तो है। तो अगर आप देखेंगे तो वो सुपर पावर अमेरिका हमेशा रहेगा। जितने भी अभी वर्ल्ड की इकोनॉमिक एनालिसिस आई है सब में कहा गया है टॉप 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया अमेरिका चाइना। अमेरिका तो बना हुआ है वहां, अमेरिका सुपर पावर हमेशा रहेगा, अमेरिका मिलिट्री पावर नहीं बनना चाहता। आज का सुपर पावर वो देश है जो भले उसके पास दो नागरिक हों लेकिन उसके दो नागरिकों की वो लाइफ को बेहतर बना रहा है। कॉन्क्वेस्ट से, लोगों को मारने और जीतने से आप पावर नहीं होता। पावर डू नॉट फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ द गन, पावर फ्लो जैसे हम हैं, हमने दुनिया को योगा करा दिया, नमस्ते सिखा दिया। जरा आप जाइए जर्मनी में, कभी मैं जर्मनी रह के आऊं, आधा से ज्यादा जर्मनी नमस्ते करता है और योगा करता है, और जर्मन आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रेस, ऐसे वैसे लोग नहीं है जर्मन। तो वो हमने उनको नमस्ते करने के लिए और योगा सिखाने के लिए बंदूकें भेजी, तोपे भेजी, क्या भेजा, कुछ नहीं भेजा। पावर क्या होता है? पावर का मतलब जो मेरे दिमाग में वो हरकत मैं आपसे करवाऊं। मैं चाहता हूं कि अली सजदा करे तो अली मुझे सजदा करे। अभी इसके दो तरीके हैं, मैं गर्दन पे तलवार रखूं कि झुको या गर्दन लूज करो, और या मैं अली जी को अपनी बातों से और अपनी कंसेप्ट से और अपने बात से इतना ज्ञान कर लूं, जैसे मोदी जी हैं पैसिफिक आइलैंड गए, पैसिफिक आइलैंड गए, जोर जबरदस्ती की जाए या काइल किया जाए उसको कि वो वाकई मतलब इन्फ्लुएंस में आए। एग्जैक्टली, मोदी जी का पैर क्यों छुआ पैसिफिक आइलैंडर के, उस आदमी ने जो क्रिश्चियन है, उसने एक उस आदमी का पैर छुआ जो बुत परस्त है, क्यों? क्योंकि वहां मानवता आई। मोदी जी ने अपने लोगों का पेट काट के उनको वैक्सीन भेजा उस समय, जबकि यूरोप की और वेस्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन बनाने के नाम पे उनसे अजीब अजीब सिग्नेचर करवा रही थी। आज इसरो गया है चांद पे लैंड करके तो सबके मुंह पे करार, ये है सुपर पावर। साइंटिस्टों के गर्दन काट देने वाला सुपर पावर होगा या वो सुपर पावर होगा जो अपने साइंटिस्टों से कहे कि यहां बैठे और चांद पे तुम पहुंचा दो अपना चांद गाड़ी। ये है सही बात। तो पावर मेरे हिसाब से आज की डेट में और हमेशा से, और भारत भारत का पावर कभी भी अस्त्र का पावर नहीं रहा, शस्त्र का पावर नहीं रहा, तलवार का पावर नहीं रहा, क्योंकि हमें पता लगा कि हमारी बात ही हमारा पावर है, हमारी फिलॉसफी हमारा पावर है। इसलिए लोगों ने भारत पे अटैक दो तरीके से किया, लोग तलवार से भारत को नहीं हरा पाए, भारत हा है और रहेगा, भारत को बदलने बहुत लोग आए, जैसे बहुत सी सिविलाइजेशन से खत्म हो गई, लोग अपनी हिस्ट्री से नहीं प्राउड लेते, इंडिया आज भी अपनी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वही जो हमारे पुरखे 10-15 हजार साल पहले कहते थे आज भी वही करते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत चेंजेस सबको आती है, पर भारत पावरफुल था और रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत ने उस समय कहा था वसुधैव कुटुंबकम, आज दुनिया कह रही है वर्ल्ड इज वन फैमिली। सही बात है। तो भारत ही दे सकता है ये आइडिया, वन अर्थ वन सन वन ग्रिड, कि एक सन है उससे बिजली पैदा करो और दुनिया भर में ग्रिड के थ्रू बिजली पैदा करो। क्यों हर देश अपना अपना बिजली बना रहे हैं? ये आइडिया मोदी जी ने दिया। और आपको याद होगा बोरिस जॉनसन ने कहा था उस समिट में, इंडियन इंटरनेशनल सोलर समिट में, मोदी उसने कहा था क्लाइमेट चेंज के वो समिट में, बोरिस जॉनसन ने, इज वन वर्ल्ड वन सन एंड वन मून। So India has always been a power, world power, super power, because India has a very deep philosophy of humanity, of love, respect, and a true priest. हम कहीं जाते हैं, हमारे लोग कहीं जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तुम घटिया लोग, हम तुम्हें बदलने आए हैं। वो वहां पे जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोग उनसे प्यार करने लगते हैं, वो लोगों को झुकाते हैं। Ramaswamy would be, is touted to be the next president of the America.
इलॉन मस्क जैसा नार्सिसिस्ट आदमी अगर उसको प्रमोट कर रहा है या उसको आप कहिए एक तरीके से उसने अपनी स्पॉन्सरशिप लगा दी है, उसको सपोर्ट दे दिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इंडियन और सर एक और इंडियन ओरिजिन से जो है वो पूरी चांसेस हैं कि वो बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों बन जाएगा? क्योंकि रामास्वामी अपनी बात नहीं कह रहा अमेरिकन से कि हमारी जैसे बनो तुम घटिया हो। रामास्वामी ये कह रहा है कि मैं इंडियन हूं लेकिन मैं तुम्हारी फिलॉसफी को ही अपनी फिलॉसफी मानता हूं, क्योंकि मेरी फिलॉसफी और तुम्हारी फिलॉसफी में अंतर नहीं है। आप अगर आइडियोलॉजीज को नहीं समझ पाएंगे तो जब एक पाकिस्तानी अमेरिका में जाएगा तो वो कहेगा कि हम यहाँ पे बम मार के कुछ लोगों को मार देंगे। आपको पता है आपके एक अमेरिकन डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब को MBBS साहब के यहाँ से अमेरिका ने उनको स्कॉलरशिप दी, उनको डॉक्टर बनाया। लोग कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर वो पैसे नहीं मिलते, गरीबी होती है तो लोग हथियार उठा लेते हैं, शिक्षा नहीं मिलती है तो हथियार उड़ाते हैं, जुल्म हो जाता है, ये हो जाता है। उनके साथ क्या हुआ, उनको इतनी बढ़िया स्कॉलरशिप मिली, जो लोग मरते हैं इंडिया में भी मरते होंगे, और वो जो उनको स्कॉलरशिप मिली वो पाकिस्तान से तो नहीं मिली ना, वो दुनिया की ये स्कॉलरशिप थी जो पाकिस्तान की झोली में गई। क्योंकि हो सकता था कोई केनियन चला जाता, हो सकता था कोई लैटिन अमेरिकन चला जाता, हो सकता था कोई इंडियन चला जाता, लेकिन वो मिली आपके पाकिस्तानी को। सही बात है, ही डिड नॉट विन अ पाकिस्तानी स्कॉलरशिप, ही बेसिकली वॉन अ ग्लोबल स्कॉलरशिप। दुनिया में सेलेक्ट हुआ हुआ वो एक आदमी होगा। मेयो क्लिनिक छोटी जगह नहीं है, इतनी जगह उनके पास जगह नहीं होती कि दुनिया भर के 200 लोगों को बुला ले। वो उसने ग्लोबल स्कॉलरशिप जीती और देखिए उसने क्या किया, जिसने स्कॉलरशिप दी वो कह रहा हम उसको मार देंगे। तो फिर आप हमको मारने आओगे तो हम आपको अपना अपनाएंगे? दुनिया की कौन सी ऐसी फिलॉसफी है कि आप हमको मारने आओ और फिर ये भी कहो कि हमें गले भी लगा लो? भाई ऐसा तो कोई नहीं हुआ। सो इंडियंस आर सुपर पावर, विल बी सुपर पावर, और उस सुपर पावर का नाम है विश्व गुरु। हम ज्ञान से बड़ा पावर कोई नहीं है, तलवार ज्ञान के आगे झुक जाती है। इन्फ्लुएंस, आप ज्ञान से इन्फ्लुएंस करते हो, इन्फ्लुएंस तो आपको हम डरा के कर ले, इन्फ्लुएंस तो झूठ बोल के कर ले, इन्फ्लुएंस करने का 50 तरीका, जादू टोना करके इन्फ्लुएंस कर ले, आपको हनी ट्रैप करवा के इन्फ्लुएंस कर ले, आपके गणपति पे बंदूक रख के इन्फ्लुएंस कर दे। लेकिन जब आप स्वतः से इन्फ्लुएंस, स्वीकार्यता बात आपको समझ में आ रही हो, आप मुझे क्यों बुला रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही होती, अब तक आपके पसीने छूट रहे होते, आप मन में होते यार भी खून पी रहा है यार मेरा, सही बात है। तो पॉइंट यह है कि भारत की फिलॉसफी क्या, भारत में कुछ इंसान हुए, उन्होंने एक बात सोची और वो भारत के लिए नहीं लिख रहे थे, भारत को ज्योग्राफिकली भले बता रहे हो कि भाई यहाँ पे भारतीय रहते हैं, लेकिन वो इंसान ने मानवता के लिए लिख रहे थे। भारत ने कभी अपनी बात नहीं की, भारत की बात मानवता की बात है। भारत कहता है कि तुमको हम तुम्हारे रूप में स्वीकार करते हैं, हमको अरबी भाषा भी उतनी ही प्यारी है जितनी तुर्की है, जितनी लैटिन है, जितनी स्पेनिश है, जितनी पोर्टुगीज है। हम ये नहीं कहते कि हमारी भाषा अच्छी है, बाकी सब भाषा को तो जब तक तबाह बर्बाद ना कर दे हमें चैन ना आएगा। तो भारत वर्ल्ड पावर इकलौता है, क्यों? क्योंकि वो गुरु है। हमारे यहाँ कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु अपनी गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि भगवान और गुरु दोनों एक जगह खड़े थे, तो बेचारा जो शिष्य था वो कंफ्यूज हो गया कि पहले भगवान के पैर लगे या पहले गुरु के पैर लगे। तो भगवान ने उसे कहा कि जाके गुरु के पैर लगो, पहले गुरु का आशीर्वाद दो। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें भगवान कौन है बताया है। जब तक गुरु ही ना होते भगवान कैसे? बड़ी खूबसूरत बात की आपने। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है ज्ञान दुनिया को देने वाला सिर्फ भारत है, और इसीलिए भारत वर्ल्ड पावर था, है और रहेगा। और कभी भी वजह है कि जो हमारा टॉपिक है कि भारत के बगैर कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी मतलब मीटअप हो इंटरनेशनल, वो इनकम्प्लीट रहता है। क्योंकि भारत ही लेके चल सकता है साफ, बिना किसी हथियार के। भारत F-16 लेके नहीं आएगा, F-18 लेके नहीं आएगा। भारत आपके पास ज्ञान लेके आएगा, योग लेके आएगा, आयुर्वेदा लेके आएगा, फिलोसफी लेके आएगा, साइंस लेके आएगा, चंद्रयान लेके आएगा, अग्नि वो क्या अभी आदित्य लेके आएगा, और आपसे ये कहेगा कि ये हमने किया है लेकिन आपका भी है, हम एक परिवार है। मोदी जी ने कहा कि हमने ये चंद्रयान जीता है, भारत ने किया, इसका हमें गर्व है, लेकिन ये हम मानवता को समर्पित करते हैं।
हम ये बड़ी उसको बात है। समर्पित करते हैं जो ये नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं था। वो हमसे कम नहीं है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं था। किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास जोग्राफिकल रीजन नहीं, हम सबके हैं। मानवता हटा दीजिए तो हमारी क्या बिसात है। हम मानवों का एक अंग है, मानवों का एक पार्ट है, जिसको आप भारतीय कह रहे हैं। अमेरिकन भी उतने मानव हैं जितने कि अरब मानव हैं, जितने कि लैटिन अमेरिकन, जितने